राइट आई एम टेलिंग यू. देखिए क्या है ना, अपने अंदाज में मुझे एक बात कहनी पड़ेगी. आप इधर आइए डायरेक्टर साहब, अपने अंदाज में बताना पड़ेगा स्टोरी क्या है, फिल्म क्या है. कोई पूछ रहा ही नहीं है तो मैं बता दे रहा हूं, कुक्कू माथुर की झंड हो गई. अपने अंदाज में अगर मैं कहूं, लोग बोलते हैं अनु मलिक जी आप अपने अंदाज में कहिए, तो मैं अपने अंदाज में कहता हूं कि भाई दो कैरेक्टर है, रॉनी और कुक्कू. हाँ मिताली, पर मैं अभी रॉनी कुक्कू की बात करता हूँ. रॉनी कुक्कू और मिताली. तो रॉनी जो है, रॉनी को मिला जिंदगी का बैट और बॉल. सुनते जाए, रख लेना बाद में. रॉनी को मिला जिंदगी का बैट और बॉल, और कुक्कू को मिली गिल्ली. इस कहानी की सेटिंग है इन द ब्यूटीफुल दिल्ली. आगे क्या होता है आप जाके देखिए, मैं थोड़ी बोलूंगा, आई एम नॉट सिल्ली. तो ताली बजाइए, अभी बनी है. करेक्ट. हाँ आप अभी बताइए, आप अपनी हाइट के बारे में कुछ कह रही थी, पूछिए. अमन, अनु जी ने अच्छा उसको समराइज किया फिल्म को. द नेम ऑफ द फिल्म ऑब्वियसली इज कुक्कू माथुर की झंड हो गई. दो दोस्तों की कहानी है, और जब तक साथ रहते हैं तब तक उनको मजा आता है, इंजॉय करते हैं, और जब कॉम्पिटिशन सीप इन होता है तो पता चलता है कि कौन कितने पानी में है. सो देन इट्स अबाउट टू फ्रेंड्स हु पार्ट वेज एंड देन फाइनली कम टुगेदर. तो रॉनी हमारे यहाँ है, और कुक्कू ने ऑलरेडी ऑब्वियसली झंड कर दी, यहाँ पे आया नहीं है. दोनों को कैरेक्टर के बारे में अगर मैं बताऊँ तो ऐसा है कि कुक्कू और रॉनी जो दो फ्रेंड्स हैं, रॉनी थोड़ा सा चंट है और कुक्कू थोड़ा स्लो है. रॉनी इतना फास्ट है कि वो शायद रेगिस्तान में रेत बेचा है, और कुक्कू शायद रेत खरीद लाए. So that's the difference between the two characters. And Simran is playing sort of girl next door, very lovable, cute little girl from, not little actually, cute girl from next door. And Kuku and Simran fall in love, and it's a story about friendship, love, loss, laughter. That's it. Okay, क्योंकि ये मस्ती भरी फिल्म है तो मैं इनसे पूछना चाहूंगी, ये किस तरह के डायरेक्टर है, सीरियस है या लाइट एटमॉस्फेयर रखते हैं सेट पे? वेरी लाइट. आई थिंक द माइक, वेरी लाइट डायरेक्टर. इट वाज आई थिंक अ सॉर्ट ऑफ अ पिकनिक फॉर अस ऑन द सेट्स, बिकॉज़ वी नेवर यूज्ड टू रियलाइज दैट वी आर शूटिंग एंड द शूट यूज्ड टू हैपन. सो दैट काइंड ऑफ अ डायरेक्टर ही इज. वी नेवर यूज्ड टू रियलाइज दैट वी आर वर्किंग. ओके, तो आप लोगों ने इनकी टांग खींची थी कभी As actors? नहीं नहीं, पहली फिल्म है यार, अभी मत करवाओ ये सब. बाहर निकाल देते तो. अच्छा, ओके, थैंक यू सो मच. और विजय, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस फिल्म? ये मेरी पहली फिल्म है जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं डायरेक्ट नहीं कर रहा हूँ. सो इट्स वेरी वेरी स्पेशल टू मी बिकॉज इट्स द फर्स्ट फिल्म दैट्स कमिंग आउट ऑफ एसोसिएशन विद बालाजी, एंड इट्स बीइंग डायरेक्टेड बाय माय वेरी गुड फ्रेंड अमन. We've been friends and contemporaries for a long time. It's a script for a long time. We really liked the story a lot. It came straight from the heart. So it's a slice of life, coming of age, a lovely, simple story set in that about friendship, like you said. And I really hope the audiences encourages and really support the film. I'm sure they're going to love the film. Anybody from the media who wants to ask? कोई सवाल? हेलो, इस फिल्म का नाम ऐसा रखा आपने, झंड हो गई, कुक्कू माथुर की झंड हो गई. माइक नजदीक लीजिए. इस फिल्म का नाम आपने रखा है कुक्कू माथुर की झंड हो गई, क्या लगता है ये फिल्म फैमिली फ्रेंडली होगी, लोग देख पाएंगे, फैमिली वगैरह देख सकते हैं साथ में मिलकर? इट इज अ वेरी फैमिली फ्रेंडली फिल्म. झंड कोई गाली नहीं है, झंड का मतलब ये है कि बैंड बज गई, किसी की लग गई या जो भी है, बट इट्स अ स्लैंग, यू नो, इट्स अ कोलोकियल टर्म. जो आप अगर नॉर्थ इंडिया में जाएंगे तो झंड कैसे भी हो जाएगी. तो इट्स अ कम्प्लीटली फैमिली फ्रेंडली फिल्म. इट्स अबाउट टू फ्रेंड्स. इट हैज़ नो ऑब्सिनिटी ऑफ एनी काइंड. हमारी शक्लों पे मत जाइए, हमने बहुत साफ सुथरी फिल्म बनाई है. कम्प्लीटली यू फिल्म, फैमिली फ्रेंडली फिल्म. एनी मोर क्वेश्चंस? Photo. Can you wait for the, I hope Kuku also arrives, then you can do the photo op if you don't mind.
Do we know how far he is? हमने शायद कास्टिंग बहुत अच्छी तरह से की है. जो कुक्कू झंड है वो पूरा मतलब अभी तक झंड ही हो रखा है उसका लाइफ में. अभी तक आ नहीं पाया वो. अब आप देखेंगे कास्टिंग की बात निकली है तो बताइए कास्टिंग करना कितना मुश्किल था या कितना आसान था इस फिल्म के लिए. कितने एक्टर आपने ऑडिशन किया? एक्टर्स प्रॉब्लम ये है कि बॉम्बे और जो एक्टर्स ढूंढना बहुत आसान है बट एक झंड फेस ढूंढना बहुत मुश्किल है. तो वो कास्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लम आया था और आई थिंक ही इज लिविंग अप टू हिज कैरेक्टर टिल नाउ. इज ही लाइक दैट इन हिज रियल लाइफ? इज ही लाइक is he the character, the kind of character which yeah, he is definitely playing? Yeah, he is. Okay, so we wanted somebody who's very convincing and not who's a little slow or jo thoda bhola ho, gullible ho, maan jaye har baat kisi ki. Okay, to abhi and there he is coming right there. I can see him. Okay. Woo! please welcome Kukku the biggest jhandu, Kukku Mathur. Come on! And a warm, warm welcome Kukku to you, Kukku. Your mic. इससे बड़ा झंडू आपको कहीं और नहीं मिलेगा. Again, I prove that. जोरदार ताली हो जाए, Kukku Mathur के लिए. Okay, first of all, I would like to apologize to all of you for being late and making you guys wait. I am really new to Bombay. I have no idea about the roads, and I got lost. I've been literally ran through the highway and came here right now. Oh yeah, that's it. कुक्कू माथुर की झंड हो गई. आपने आज पहले ही दिन इवेंट पे सबकी झंड कर दी लेट आके ना. वॉज नॉट इंटेंडेड बट कुक्कू का लक ऐसा ही है. आते वक्त आई मिस द टर्न एंड देन आई टू कम ऑल द वे बैक. सो इट वॉज लिटरली माई झंड. नॉट आई डेंट कम हियर ऑन टाइम. फिर ट्रैफिक इतना ज्यादा था आज. इट्स अ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ऑफ गेटिंग अ झंड. एक्सक्यूज में भी झंड है ये. एक्सक्यूज भी ठीक से नहीं देना आता है इसको. ये प्रॉब्लम है इसकी. अच्छा, फिल्म के पोस्टर में जो झंडू है वो आपकी पैंट्स उतार रहे हैं आई गेस. आई थिंक पोस्टर में जहाँ पे दिख रहा है. रियल लाइफ में पैंट उतरी कभी आपकी ऐसे? हाँ, एक बार कॉलेज में उतरी थी. लाइक वी यूज्ड टू हैव एनीवनस बर्थडे इन कॉलेज. सो देयर वाज अ कस्टम ऑफ डूइंग वेजी. सो वेजी आपको शायद पता ना हो, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बट उसके लिए पैंट उतारते थे सारे के सारे लड़के मिलके. सो ऑन माई बर्थडे इट हैपेंड इन कॉलेज.